मृत्यु क्या है? जो हम जानते हैं, पहचानते हैं, हमें लगता है कि मृत्यु बहुत दूर है, परंतु मरना क्या है? ना तो हम कभी मरे थे और ना मरेंगे। जीवन का प्रवाह अनंत है। हम अनगिनत वर्षों से जीवित हैं और आगे भी अनगिनत वर्षों तक जीवित रहेंगे। भ्रमवश मनुष्य यह समझ बैठा है कि जिस दिन माता के पेट से बच्चा जन्म लेता है उसी को जीवन आरंभ कहता है, और हृदय की गति जब रुक जाती है उसे मृत्यु मान बैठता है। परंतु यह असत्य है। हृदय की गति बंद हो जाने से यह शरीर निर्जीव हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। यह बहुत छोटा ही और अधूरा सत्य है। शरीर की मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व नहीं रहता, परंतु बेचारा भौतिक विज्ञान आज स्वयं अभी बाल अवस्था में है। विद्युत की गति से भी तेज हमारा जीवन है, और हम कितनी बार आएंगे और जाएंगे इसका कोई पता नहीं लगा सका। आज विज्ञान बाल अवस्था में है, वह मृत्यु पर रिसर्च कर रहे हैं, परंतु जान नहीं पाए कि मृत्यु क्या है। मृत्यु इससे कई गुना ज्यादा सत्य है, परंतु सत्य यह है कि मरता हमारा शरीर है, आत्मा अनगिनत वर्षों से अजय और अमर है, और ना जाने आने वाले कितने वर्षों तक हम जीवित रहेंगे। यह जो आत्मा है, जीव आत्मा है, इस संसार में आती है, नानक प्रकार के सुख भोगती है और भूल जाती है कि मूलतः उसका कारण क्या था इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का। 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में, आप जानते हैं 33 करोड़ देवी देवता होते हैं कि नहीं, परंतु यह जो जीव आत्मा है यह अजय और अमर है। यह जो देवताओं का उल्लेख है यह हमारे शरीर से है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास एक जीव आत्मा में होता है। मनुष्य रूपी इस शरीर में नानक प्रकार के सुख भोगता है। जिसको इसका ज्ञात हो जाता है कि आत्मा और परमात्मा मैं स्वयं हूं, वह इस जीवन में तो अनेकों सुख भोगता ही भोगता है, और जो ब्रह्म लोक है वहां पर भी नानक सुख भोगता है। मृत्यु जैसे आप मानते हैं वैसी नहीं है। हम जो है अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, और यही हमारे दुख का कारण है।